नमस्कार सभी व्यूअर्स को। आज का जो ब्लॉग है वो है रिलेटेड टू कहां कहां ग्वालियर दर्शन हमने करे संडे को। ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले ब्लॉग सिर्फ ग्वालियर दर्शन के लिए होने वाले, लेकिन हाँ, जहां जहां मैं जाता हूँ, उन जहां जहां मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाता हूँ, वो जगह भी आपको देखने को मिलेंगी। और आगे इन फ्यूचर जहां जहां हम जाएंगे, शायद ग्वालियर से बाहर कभी भी ट्रिप बन सकती है, तो उसके भी ब्लॉग्स आएंगे और वो भी काफी अच्छे होने वाले हैं। और फिलहाल संडे को 17 जुलाई जब मैं और मेरे दोस्त गए बेजाताल, और उसके बाद हम गए थे एक एग्जीबिशन में जो कि मेरे एक दोस्त ने ही लगाई थी, बहुत पुराना दोस्त जो एक कोचिंग फ्रेंड था मेरा, और अब वो एक स्केच आर्टिस्ट है। तो एग्जीबिशन में जितने भी डिफरेंट स्टेट से लोग आए हुए थे तो उनके स्केचेस बना रखे थे उन्होंने, और वो काफी सुंदर थे। और फिर संडे की शाम को मैं और मेरा दोस्त निकल पड़े बेजाताल। बेजाताल पे अक्सर बोटिंग होती है, और बीच में जो आपको प्रोग्राम दिख रहा है वहाँ रफी साहब की कुछ ओल्ड मेमोरीज गुनगुन रही जा रही है। मौसम बहुत ही सुहाना था। बोटिंग करने के चार्जेस यहाँ कुछ इस प्रकार हैं। शिकारा बोट हमें यहाँ देखने को नहीं मिली, सिर्फ पैडल बोट थी। इसके बाद हम निकले दोस्त के एग्जीबिशन में, जहाँ के नजारे कुछ ऐसे थे। इस आर्ट गैलरी में सबसे पहली पेंटिंग पड़ी मेरे दोस्त की और बाकी कुछ अन्य कलाकारों की जो शहर के अलग अलग भाग से आए थे। ये पेंटिंग्स भी बहुत खूबसूरत थीं। ये कुछ नेल आर्ट, और आखिर में मुझे दिखी मेरे दोस्त की मॉम की बनाई हुई पेंटिंग जो कि 30 साल पहले उन्होंने बनाई थी। ये देखने में बहुत खूबसूरत थी। और ये थे रात के कुछ बेजाताल के नज़ारे जो मेरे लिए सरप्राइजिंगली बहुत ही आई कैचिंग थे। आप लोगों को कंटेंट मेरा पसंद आ रहा हो, और आगे आने वाले टाइम में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।